हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर लेकर हाजिर हूँ मैं अपने चैनल यूवी कंपटीशंस पर। अपडेट्स आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ, यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। साइक्लोनिक स्टॉर्म फनी इज लाइकली टू हिट कोस्टल आंध्र प्रदेश बाय अप्रैल 30 एज इट इंटेंसिफाइड इनटू ए सीवियर स्टॉर्म एंड ट्रिगर थंडर स्टॉर्म्स गस्टी विंड्स एंड मॉडरेट रेन्स इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ रयलसीमा। साइक्लोन फनी करंटली लेज ओवर ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ईआईओ एंड एडजोइनिंग द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। चक्रवाती तूफान फानी के 30 अप्रैल तक तटीय आंध्र प्रदेश से टकराने की संभावना है, क्योंकि यह एक तीव्र तूफान में बदल गया है और तटीय जिलों और रियाल सीमा के कुछ हिस्सों में आंधी, तेज हवाओं और मध्यम बारिश को शुरू कर रहा है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज हाइक द कस्टम्स ड्यूटी ऑन वीट टू 40% फ्रॉम 30% टू कर्ब इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रेस्ट्रिक्ट ओवरसीज परचेज सो दैट डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ वीट डू नॉट कम अंडर प्रेशर एज द कंट्रीज वीट आउटपुट इज एक्सपेक्टेड टू स्केल ए रिकॉर्ड हाई। सरकार ने आयात पर नियंत्रण लगाने और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए गेहूं पर सीमा शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। सरकार विदेशी खरीद को प्रतिबंधित करना चाहती है ताकि गेहूं की घरेलू कीमतें दबाव में न आए, क्योंकि देश के गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का अनुमान है। इस सत्र में देश का गेहूं उत्पादन 100 मिलियन टन के पार जा सकता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज सेट अप ए 30 मेंबर कमेटी अंडर IRDAI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश माथुर टू रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन माइक्रो इंश्योरेंस एंड रिकमेंडेड मेजर्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर के तहत एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि माइक्रो इंश्योरेंस पर विनियामक ढांचे की समीक्षा करने और ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। रशियाज व्लादिमीर पुतिन एंड नॉर्थ कोरियाज किम जोंग ऑन मैट फेस टू फेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वोड टू सिक क्लोजर टाइज। द मीटिंग वॉज हेल्ड एट रशियाज पैसिफिक पोर्ट सिटी ऑफ व्लाडिवोस्टोक रेफर टू एज टेंशन ऑन द कोरियन पेनिनसुला एंड वेज टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज वर डिस्कस्ड। सिक्स पार्टी टॉक्स ऑन नॉर्थ कोरिया डी न्यूक्लियराइजेशन स्टार्टेड बैक इन 2003। द टॉक्स इन्वॉल्व चाइना जापान रशिया द यूएस अलोंग विद नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। रूस के व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन पहली बार आमने सामने मिले और करीबी संबंधों की तलाश करने की बात कही।
यह बैठक रूस के प्रशांत बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गई थी। कोरियाई प्रायद्वीपीय पर तनाव कम करने के प्रयासों और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई। 2003 में उत्तर कोरियाई परमाणु मुक्त पर 6-पक्षीय वार्ता वापस शुरू हुई। वार्ता में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ चीन, जापान, रूस, अमेरिका शामिल है। इस तरह की बातचीत का आखिरी दौर 2007 में हुआ था। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन एंड द यूरोपियन यूनियन ईयू हैव साइंड ए जॉइंट फ्रेमवर्क एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट। द यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म अनाउंस्ड दैट द फ्रेमवर्क वाज एनेक्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ द सेकेंड ईयू यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग ऑन काउंटर टेररिज्म दैट वाज हेल्ड इन न्यू यॉर्क। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ईयू ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक संयुक्त ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। आतंकवाद काउंटर टेररिज्म के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने घोषणा की है कि न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले काउंटर टेररिज्म पर यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के अवसर पर रूपरेखा तैयार की गई थी। नेक्स्ट, द सेकेंड एडिशन ऑफ बेल्ट एंड रोड फोरम BRF वॉज हेल्ड इन बीजिंग चाइना इन विच 37 हेड्स ऑफ स्टेट एंड 159 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड अलोंग विद यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी चीफ IMF क्रिस्टीन लगार्ड। द थीम ऑफ दिस इवेंट वॉज बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन शेपिंग ए ब्राइटर शेयर्ड फ्यूचर। द बेल्ट एंड रोड फोरम इज ए पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। बेल्ट एंड रोड फोरम BRF का दूसरा संस्करण चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। इसमें 37 देशों के प्रमुख और 159 देशों के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रमुख IMF क्रिस्टीन लगार्ड के साथ भाग लिया। इस आयोजन का विषय बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन शेपिंग ए ब्राइट शेयर्ड फ्यूचर था। बेल्ट एंड रोड फोरम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक हिस्सा है। BRI के विचार को सबसे पहले 2013 में चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, द फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वाज हेल्ड एट काठमांडू नेपाल। द थीम ऑफ द टू डे समिट वाज मीडिया सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर सेविंग लिविज बिल्डिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज। क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस पर 5वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU मीडिया समिट का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय मीडिया सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर सेविंग लिविज बिल्डिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की। तो केनरा बैंक एंड इट्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर केनरा HSBC ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड वेब एश्योरेंस टू इनेबल इट्स कस्टमर्स टू परचेज लाइफ इंश्योरेंस इन ए कॉन्वीनियंट एंड हैसल फ्री वे। दिस लाइफ इंश्योरेंस इज जॉइंटली ओन्ड बाई केनरा बैंक 51% एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 23% एंड HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग 26% द एशियन इंश्योरेंस आर्म ऑफ HSBC। केनरा बैंक और उसके जीवन बीमा भागीदार केनरा HSBC के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त तरीके से जीवन बीमा खरीदने में सक्षम बनाने के लिए वेब एश्योरेंस की शुरुआत की। यह जीवन बीमा संयुक्त रूप से कैनरा बैंक 51% और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 23% और HSBC बीमा होल्डिंग्स 26% HSBC के एशियाई बीमा शाखा के स्वामित्व में है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। एक्स साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर जैक कालिस हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ इखा मांगा इन द सिल्वर डिवीजन। कालिस हैज बीन रिवार्डेड फॉर हिज सक्सेसफुल क्रिकेटिंग कैरियर।
ही प्लेड 166 टेस्ट 328 वनडे एंड 25 टी ट्वेंटीज रिटर्निंग 62 हंड्रेड्स एंड 577 विकेट्स। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक स्केलिस को सिल्वर डिवीजन में ऑर्डर ऑफ इकामंगा से सम्मानित किया गया है। कैलिस को उनके सफल क्रिकेटिंग कैरियर के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने 166 टेस्ट 328 वनडे और 25 टी20 खेले जिसमें 62 शतक लगाए और 577 विकेट लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की, तो डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया वॉन द बेरेसलिना ओपन 2019 आफ्टर डिफीटिंग डैनियल मेडवेडेव रशिया। द ऑस्ट्रेलियन बिकम जस्ट द फोर्थ प्लेयर इन द पास्ट 15 ईयर्स टू लिफ्ट द टाइटल इन बेरेसलिना ज्वाइनिंग राफेल नडाल की निशिकोरी एंड फर्नेंडो वर्डास्को। डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया ने डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर बार्सिलोना ओपन 2019 जीता। वह राफेल नडाल कई निशिकोरी और फर्नांडो वर्डास्को के साथ बार्सिलोना में खिताब जीतने वाले पिछले 15 वर्षों में चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, द 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इज ए बैडमिंटन टूर्नामेंट विच टुक प्लेस एट वुहान स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नाजियम इन चाइना एंड हैड ए टोटल पर्स ऑफ $4 लाख। द 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप वाज द 39th एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो चीन में वुहान स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में आयोजित हुआ था और इसके विजेता की कुल राशि $4 लाख थी। 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का 39वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट की मेजबानी चीनी बैडमिंटन संघ ने की थी। नेक्स्ट, इंडिया एंडेड दियर कैंपेगन एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप विद ए टोटल ऑफ 4 मेडल्स 3 गोल्ड्स एंड 1 सिल्वर। चाइना वाज ऑन द सेकेंड पोजिशन विद 5 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड्स। द इवेंट वाज हेल्ड इन बीजिंग चाइना। दिव्यांश पवार एंड अंजुम मोदगिल हैड वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द बीजिंग ISSF वर्ल्ड कप आफ्टर क्लिंचिंग गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल मिक्सड इवेंट। मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड इवेंट। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में कुल 4 पदक जिनमें से 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ अपने अभिनय का अंत किया। चीन 2 स्वर्ण सहित 5 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह स्पर्धा चीन के बीजिंग में आयोजित की गई थी। दिव्यांशु पवार और अंजुम मोदगिल ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद बीजिंग ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाज क्लेयर पोलोस्क विल बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट इन ए मैंस वनडे इंटरनेशनल एट द ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 मैच। द 31 ईयर ओल्ड बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अंपायर एन ऑस्ट्रेलियन मैंस डोमेस्टिक फिक्चर इन अक्टूबर 2017। सी विल स्टैंड इन द फाइनल बिटवीन टूर्नामेंट होस्ट नामीबिया एंड ओमान। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क ICC विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2 मैच में पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनेगी। वह टूर्नामेंट के मेजबान नामीबिया और ओमान के बीच फाइनल में अंपायरिंग करेगी। 31 वर्षीय पोलोस्क अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया पुरुषों की घरेलू मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 15 महिलाओं के वनडे में एम्पायरिंग की और 2018 में महिला विश्व T20 के सेमीफाइनल में एम्पायर बनी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड नंबर 3 टेनिस प्लेयर पेट्रा क्विटोवा सीजेक रिपब्लिक बीट एनेटी कोंटा वेट एस्टोनिया टू विन स्टटगार्ट पोर्स ग्रैंड प्रिक्स फॉर हर सेकेंड टाइटल ऑफ द ईयर। क्विटोवा इज ए 2-टाइम विंबलडन चैंपियन। द चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट
स्टटगार्ट जर्मनी। विश्व के तीसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी पेत्रा क्यूतोवा चेक गणराज्य ने एनेट कॉन्टेविंट एस्टोनिया को हराकर स्टटगार्ट की पोर्स ग्रैंड प्री को जीतकर इस वर्ष का अपना दूसरा खिताब प्राप्त किया। क्वीतोवा दो बार की विंबल्डन चैंपियन है। चैंपियनशिप जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट मर्स्टिजीज फिनिश ड्राइवर वेटरी बोटास बीट हिज इंग्लिश टीम मैट लेविस हैमिल्टन बाय 1.5 सेकेंड टू विन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। विद दिस मर्सिडीज बिकम द फर्स्ट टीम टू विन द ओपनिंग फोर रेसेस ऑफ एन F1 सीजन विद 1-2 फिनिशेस। मर्सिडीज के फिनिश ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ने अपनी अंग्रेजी टीम के खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को 1.5 सेकेंड से हराकर अजरबैजान ग्रैंड प्री में जीत प्राप्त की है। इसके साथ मर्सिडीज पहले दूसरे स्थान के साथ F1 सीजन की शुरुआती चार रेस जीतने वाली पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट द 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाज द 23rd एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। द 4-डे इवेंट वाज हेल्ड फ्रॉम एट द खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम इन दोहा कतर। बहरीन टॉप्ड द मेडल टैली विद 11 गोल्ड्स फॉलोड बाय चाइना 9 गोल्ड एंड जापान 5 गोल्ड। इंडिया क्लिंच्ड द फोर्थ स्पॉट विद 17 टोटल मेडल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड। पीयू चित्रा वोन गोल्ड इन वुमेन्स 1500 मीटर रेसेस। 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण था। चार दिवसीय कार्यक्रम कतर के दोहा में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बहरीन ने 11 गोल्ड के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके बाद चीन 9 गोल्ड और जापान 5 गोल्ड के साथ था। भारत 3 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल करने वाला देश बना। पीयू चित्रा ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टूरिज निधन की, तो मार्क मेडोफ हुज एक्लेम्ड प्ले चिल्ड्रन ऑफ ए लेजर गोल्ड विच वॉन द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले इन 1980 एंड वाज टर्न्ड इनटू ए 1986 मूवी दैट वॉन एन ऑस्कर फॉर इट्स फीमेल लीड। मार्ले मार्टिन रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। मार्ड मेडोफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके प्रशंसित नाटक चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड ने 1980 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी पुरस्कार जीता और 1986 में इसे फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया, और जिसकी महिला प्रमुख मार्ली मैटलिन ने ऑस्कर जीता है। और लास्ट न्यूज की बात करते हैं, फॉर्मर इंडिया फुटबॉलर पुंगम कन्नन पासेज अवे एट द एज ऑफ 18 ईयर। कन्नन प्लेड 40 मैचेस फॉर इंडियाज एंड वाज द फॉर्मर मोहुल बिगन एंड ईस्ट बंगाल फॉरवर्ड। ही वॉन संतोष ट्रॉफी फॉर बंगाल ट्वाइस इन ए रो 1971-73 एंड वाज द टॉप स्कोरर। ही वाज नोन एज द पेले ऑफ एशिया। भारत के पूर्व फुटबॉलर पुंगम कन्नन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कन्नन ने भारत के लिए 14 मैच खेले और वह पूर्व मोहन बागान और पूर्वी बंगाल फॉरवर्ड थे। उन्होंने लगातार दो बार 1971 और 73 में बंगाल के लिए संतोष ट्रॉफी जीती और शीर्ष स्कोरर रहे। उन्हें पेले ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, और साथ ही साथ इस वीडियो के PDF को डाउनलोड भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।